सुकमा जिले में सक्रिय एक महिला हार्डकोर माओवादी सहित दो हार्डकोर माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। छत्तीसगढ़ शासन की छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन एवं पुनर्वास नीति एवं नियत नेल्लानार योजना से प्रभावित होकर तथा अंदरूनी क्षेत्रों में लगातार नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित कर पुलिस के बढ़ते प्रभाव से आत्मसमर्पण किया गया है। आत्मसमर्पित महिला माओवादी लगभग 22 से 23 वर्ष एवं पुरुष माओवादी लगभग 14-15 वर्षों तक माओवादी संगठन में सक्रिय रहकर कई बड़ी बड़ी माओवादी घटनाओं में शामिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पदों के अनुरूप दोनों माओवादियों पर 5-5 लाख कुल 10 लाख रुपए का इनाम घोषित है। सुकमा पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा सुकमा जिले में जो नक्सल निर्मूलन अभियान चलाया जा रहा है, नियत नेल्लानार अभियान, उसकी योजना अंतर्गत आज सुकमा जिले में सोड़ी गजेंद्र जो कोंटा एरिया कमेटी का सदस्य है और एर्रापुर सिविल ऑर्गेनाइजेशन का जो अध्यक्ष था उसने आज आत्मसमर्पण किया है। उसके ऊपर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 5 लाख का इनाम रखा गया था। उसके अलावा जो सोड़ी मंजुला कोलमपली एलओस कमांडर है उसके ऊपर 5 लाख का इनाम रखा गया है, उसने भी आज आत्मसमर्पण किया है। दोनों जो नक्सली थे वो लंबे समय से नक्सल संगठन में कार्य कर रहे थे। लगभग सोड़ी मंजुला 2002 से काम कर रही थी और जो सोड़ी गजेंद्र था वो 2015 से काम कर रहा था। सोड़ी गजेंद्र उनकी जो सिविल टीम थी उसके रह के मतलब लोगों से वसूली करना, गाड़ी जलाना, नागरिकों की हत्या करना, उसके अलावा विविध प्रकार के एम्बुश में भी 2017 में जो भेज्जी में एम्बुश हुआ था, 2020 में जो मिनपा में एम्बुश हुआ था उसमें भी शामिल रहा था। मंजुला संगठन में कंपनी नंबर 1 कंपनी नंबर 6 में भी रही है। नारायणपुर में भी पूर्व में काम कर चुकी है। सुकमा में आने के बाद उसको कोलमपल्ली येलो वेस्ट कमांडर बनाया गया।